तो यार पहले सही होता था, किसी भी बच्चे से पूछ लो कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है, तो उसका सीधा जवाब रहता था IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, नहीं तो सरकारी जॉब मिल जाएगी, वरना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूरा से पूरा ग्रुप डी में लग जाएंगे। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में लोगों को MBA कर MBA चाय वाला बनना है, KTM खरीद कर KTM चाय वाला बनना है, BTech करके BTech चाय वाली बननी है। अरे बेहन, खुद इतनी पढ़ाई करी क्या मैंने ये चाय बिस्किट की टपली खोलने के लिए? अब्बा नहीं मानेंगे। और यार मुझे दिल से अफसोस है कि आज की वीडियो में मैं इन स्टार्टअप्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। कैदी चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, मोदी टी स्टॉल, कमांडो चाय वाला इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। आप कमांडो वाले हैं? हाँ भैया। कहाँ पे जॉब है? दिल्ली में। तो चाय बेच रहे हैं, लिखा आपने कमांडो चाय अड्डा, क्या कमांडो मकसद? चाय अड्डा लिखा हुआ। मकसद हाँ बहुत बड़ा मकसद है इसका, चाय में ड्रग्स मिलाकर बेचता है ये ISI वालों को। उसामा बिन लादेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इसके। इंचुत चाय वाला ही बोल रहा होगा, इसको रैपट मार के भगाओ यार, इंचुत चाय के पीछे का मकसद पूछ रहा है। इन केस आप देख सकते हैं कि जब मोदी जी अगर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं कुछ कर सकते। वाह, इसके तो अलग ही फंडे हैं। मतलब मोदी जी अगर चाय वाले होकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो इसको भी लगता है कि ये भी चाय वाला होकर प्रधानमंत्री बन सकता है। भाई तुम गलत सोच रहे हो, मोदी जी किधर तुम किधर, तुम जिस देश के नेता होगे उस देश की भी सरकार गिरा दोगे। अब मिलाते हैं आपको BTech पानीपुरी वाली से। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ सिर्फ। हेलो मैडम, हेलमेट पहनने का नियम ना औरतों पर भी लागू होता है, तो आप ये गोलगप्पों की आड़ में हमें पागल मत बनाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और मैं अगर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता UPSC क्लियर करवाने की या इस ठेले को खरीदने की, तो आप किसको चूज करते? ऑब्वियसली बात है UPSC को क्लियर करोगे आप, मगर मैडम के तो अलग ही फंडे हैं। कि आप या तो UPSC क्रैक कर ले या फिर ये बिजनेस पानीपुरी वाली, क्योंकि इसके साथ मेरी एक उम्मीद जुड़ी है जिसमें मैं स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहती हूँ। अरे भाई भाई पढ़ाई मत छोड़ देना तुम अपनी, मैडम तो जलजीरे के नशे में कुछ भी बोलती रहती है। भाई अगर गलती से मैंने अपने घर वालों को बोल दिया ना कि मुझे BTech करने के बाद चाय मट्ठी की दुकान खोलनी है, बड़ी जवानी चली है तेरे अंदर। आप भी सोच रहेंगे कि कोई गोल गप्पे के बिजनेस से करोड़ों के बिजनेस को कैसे खड़ा कर सकता है, तो इनके पास एक अलग नीति चलती है, फ्रेंचाइज का धंधा। मैम आपकी फ्रेंचाइजी का क्या प्रोसीजर है? तो देखिए यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट। इस धंधे में 10 से 20 लाख आपसे लिए जाते हैं एज अ फ्रेंचाइज। MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी कितने की है? जिसमें 6 लाख रुपए फ्रेंचाइज फीस होता है, इक्विपमेंट का 7-8 लाख। आप कितनी मदद? हम लोग पूरी मदद करते हैं, मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे जिसमें वो बंदा आपको उस कंपनी का नाम, मशीनें, इंग्रेडिएंट सब कुछ देते हैं। मतलब हम आपको हाथ में आम दे देंगे खालो। और आपको ये दिलासा दिया जाता है कि आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का नेट प्रॉफिट कमा सकते हो। वो बात अलग है, उस कंपनी के खुद के बहन जो दिवालिए निकले पड़े हैं, जैसे प्रफुल्ल चाय वाले भैया। 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। आएंगे 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। प्रफुल्ल भैया आपसे ज्यादा ना डॉली भाई अपना दूध झूठा कर कमा लेता है। और भाई इसके मुँह के झूठे दूध की चाय कैसे पी लेते हो तुम लोग, मेरे को तो ये नहीं समझ आता। अब डॉली भाई इतने फेमस है लेकिन क्या उनकी शक्ल देखकर चाय बिकती है? नहीं, क्योंकि उसका धंधा सिर्फ चाय मट्ठी पर नहीं टिका, वो अपनी दुकान पर बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सब भी बेचता है। और मैं आपको ये नहीं कहता कि आप चाय पानी के साथ बीड़ी गुटखा भी बेचना शुरू करो ना, लेकिन उसके रिप्लेस में तो कुछ बेच दो, क्योंकि चाय बेचकर तो करोड़ों का बिजनेस नहीं खड़ा होता। जैसा कि मैंने देखा है कि प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन खा रहे हैं ना ही उनकी टीम में कोई फोन खा रहा है मेरा। भाई प्रफुल्ल की क्या गलती है, वो तो अपनी फ्रेंचाइज बेच रहा है, खरीदने वाले तो आप हो ना। आप सोचो कि 20 से 25 लाख रुपए एक फ्रेंचाइज के देने में कितना चूतिया पा यार, इससे बढ़िया तो मैं वो लिख दूंगा गांडू चाय वाला, उससे ज्यादा चल जाएगी मेरी दुकान। और पता है प्रफुल्ल भैया से लोग क्यों भड़के पड़े हैं? क्योंकि वो बंदों के रिप्लाई भी नहीं दे रहे। 50-60 हज़ार का लॉस हो रहा है प्रफुल्ल भाई, अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापिस आएगा कुछ की ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा। तो भैया फ्रेंचाइज का धंधा भी तब समझ में आता है जब आपके इंग्रेडिएंट में सबसे ज्यादा यूनिकनेस होती है। लेकिन चाय तो ऐसी चीज है कि एक दुकान छोड़कर दूसरी चाय आपसे बढ़िया चाय प्रोवाइड करा देता है हम लोगों को, इसलिए इस काम में फ्रेंचाइज का धंधा काम नहीं आता। अब लॉडी भाई भी अपनी फ्रेंचाइज खोलकर धंधा करना लग जाए तो इनका ये चाय का बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। यही तो बात समझाने की कोशिश की जा रही है इतने दिनों से, इतने सारे चैनलों पर, इतनी सारी वीडियोस के थ्रू। अब मेरे को ना पर्सनली कोई चाय वालों से दुश्मनी नहीं है, प्रफुल्ल भैया के लिए दिल से प्यार है, क्योंकि
बिजनेस तो उन्होंने खड़ा कर लिया था भाई अच्छा खासा। आपकी चाय का धंधा सबसे बेस्ट है और इन सब में से सबसे इमोशनल स्टोरी है केटीएम चाय वाले की। मेरा नाम हर्ष राठौर है और मैंने अपना मिनी स्टार्टअप स्टार्ट किया है ग्रेजुएट केटीएम चाय वाला। अब आपको बेचारे ने केटीएम तो खरीद ली लेकिन किस्त भरने के लिए चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी इसको। इसी केटीएम पर बेचारा चाय बेचता फिर रहा है।